रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हमने पढ़ना है मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट्स। ठीक है, आप इसमें लर्निंग आउटकम्स क्या हैं वो पढ़ेंगे पहले। जी एलवन, इसको इसके जो है ना लर्निंग आउटकम्स पढ़िएगा बाय द एंड ऑफ दिस यूनिट। स्टूडेंट्स विल, हाँ जी स्टूडेंट किस काबिल हो जाएंगे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद जरा बताइएगा। नाउ द रोल एंड इफेक्ट्स ऑफ मीडिया ऑन सोशल कंडक्ट। अच्छा मुझे, हाँ जी जी पढ़ें जरा इसको। अब पहले मुझे ये बताएं मीडिया क्या, मीडिया से मुराद क्या है, मीडिया व्हाट इज मीडिया, सोशल मीडिया, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है ना आंसर दें मुझे जरा। हाँ न्यूज़ वाले और कौन होते हैं सोशल मीडियाज में, क्या आता है मुझे बताओ ज़रा, बताओ भाई मीडिया मतलब। आप न्यूज़पेपर भी पढ़ते हो, बड़ा कुछ होता है उसमें, आप भी कोई बता दो एक आध, आपको नहीं पता है तो बताओ फिर। न्यूज़ वाला ही होता है बस मीडिया। अच्छा ये जो ड्रामे देखते हो ये क्या होते हैं, ये मीडिया नहीं है। फिल्में देखते हो ये मीडिया नहीं है। ये वो जो देखते हो डॉक्यूमेंट्री एनिमल वाली या कोई और कुछ इंसान की वो ज़िंदगी के बारे में जो स्टोरी, वो मीडिया नहीं है बताओ ज़रा मुझे। और ये जो कमेंट्री सुनते हो ये मीडिया वाले नहीं करते, ये कौन करते हैं। ये मैच देखते हो ये किधर से आता है, हाँ जी सोशल मीडिया पे। और पाकिस्तान कल मैच जीता है मुबारक हो, चलो उसके बारे में आप क्या कहोगे, चले वो बाद में बताते हैं, एक मिनट पहले पढ़ लेते हैं ये। चले जी बाय द एंड ऑफ दिस यूनिट स्टूडेंट विल नो द रोल एंड इंपैक्ट्स ऑफ मीडिया ऑन सोसाइटी कंडक्ट एंड राइट एंड इंटरव्यूज इलस्ट्रेट द यूज ऑफ प्रोनाउन लर्न अर्लियर आइडेंटिफाई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रीड द राइट सैंपलिंग मेल्स सिंपली मेल्स। हाँ जी रीडिंग, हाउ डज मीडिया ब्रिंग पीपल क्लोजर, डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन एन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रिंट मीडिया, डू यू लाइक रीडिंग न्यूज पेपर, विच इज योर फेवरेट न्यूज पेपर। फॉर द टीचर्स डिस्कस इन डिटेल द वाइड स्प्रेड रोल ऑफ मीडिया इन द करंट स्कैनर इट्स यूज्ड स्नैरियो क्या होता है, जो उस वक्त करंट जो कुछ हो रहा है वो करंट। हाँ जी ठीक है आगे बोलो। इट्स यूजेस एंड अब्यूजेस कंडक्ट प्री रीडिंग एक्टिविटीज टू एक्टिव स्टूडेंट योर नॉलेज एंड इंटरेस्ट इन द टॉपिक। अब ये टीचर को कहा जा रहा है कि इसको इंटरेस्टेड बनाने के लिए उनसे कोई न्यूज़पेपर या कुछ इस तरह से उनसे कुछ चीज़ें मंगवा के उनको उसकी डिटेल के बारे में बताएंगे ये क्या होता है। और ये सब कुछ आप कर नहीं सकते हो, चले इसके चैप्टर को रीड करना शुरू करते हैं। मिस आशा इज़ द फेवरेट टीचर ऑफ क्लास 11। 11 है ये, 9th में पढ़ते हो तो 11 की बुक पढ़ोगे। द स्टूडेंट्स अर्लियर, हाँ अर्लियर attend her class. Miss Aisha entered the classroom with her usual smile. हाँ जी क्या है, मिस आयशा जो है वो एक फेवरेट टीचर है, कौन सी क्लास, 9th की। और वो जो है वो उनकी क्लास जो है वो रेगुलरली अटेंड करते हैं क्योंकि मिस आयशा इंटर द क्लासरूम विद हर यूजुअल स्माइल, वो अपनी रोज़ाना की स्माइल के साथ क्लास में आई। आगे क्या किया उन्होंने, ग्रीट द स्टूडेंट एंड टेक्स द रोल कॉल। हाँ जी ग्रीट क्या होता है, सलाम दुआ नहीं करते हैं टीचर क्लास में आते हैं तो कोई खड़े होके गुड मॉर्निंग चौमिन नहीं बोलते हो, कुछ नहीं बोलते हो के बस ऐसे ही वो, तो उसको क्या बोलते हैं। हाँ जी तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, टेक्स द रोल कॉल क्या किया, टेक्स द रोल कॉल। जी आपके सर लेते हैं अटेंडेंस आपकी, लेते हैं जी। नेक्स्ट इट इज देयर ट्यूटोरियल डे। हाँ जी ट्यूटोरियल डे है आज हमारा, द
ट्यूटोरियल डे क्या होता है कि जिस दिन हमने एजुकेशन से हट के कुछ मतलब और कोई एक्टिविटी करनी है कोई जो The students are all grades up. They know what is about to come and they are prepared for it. जी क्या हुआ The students are all grades up. मतलब सब जो है वो क्या हुए खुश हुए और उन्होंने क्या किया उन्होंने पूछा कि मतलब किसके बारे में आज होगा प्रोग्राम जो है उनका जो भी है और उसके लिए कुछ मतलब तैयार करना होगा या क्या है Shall we start? हाँ जी उन्होंने नरमी से कहा कि चलो शुरू करते हैं यस द स्टूडेंट नॉट और बच्चों ने क्या आंसर किया कि चलो ठीक है टीचर Okay, as we have decided earlier, the topic for today's discussion is the role of media and its impacts. To start with, let me state clearly. एक मिनट उन्होंने क्या कहा कि चलो ठीक है और स्टार्ट करते हैं और उन्होंने क्या टॉपिक चूज किया है मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट हाँ जी उन्होंने मीडिया और उसके इम्पैक्ट्स मीडिया यानी कि जो हमारा मीडिया है उसको और इम्पैक्ट्स क्या होते हैं उसके असरात ठीक है टू स्टार्ट विद लेट मी स्टेट क्लियरली दैट मीडिया इज द मोस्ट पावरफुल मोड ऑफ कम्युनिकेशन जी एक कम्युनिकेशन का बहुत मजबूत जरिया है क्या मीडिया इट शेयर्स न्यूज एंड इंफॉर्मेशन विद द पीपल सम टाइम मीडिया स्प्रेड फॉल्स न्यूज बट जनरली इट informs us about the fact around us जी क्या होता है मीडिया से लोगों को क्या मिलता है फैक्ट्स मिलते हैं न्यूज़ मिलती हैं और जो है गलत बात होती है वो फैल नहीं फैलती जो बात सही होती है वो फैलती है ठीक है डू यू एग्री क्या आप एग्री हैं स्टूडेंट यस वी डू यस वी डू जी हां I would like to add a bit more to it. यानी कि हम इसमें कुछ और ऐड करते हैं यस श्योर टीचर ने कहा जरूर स्टूडेंट वन मीडिया हेल्प पीपल टू शेयर नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड देयर फीलिंग एंड ओपिनियन आर एक्सप्रेस्ड हाँ जी मीडिया स्टार्ट करो मीडिया हेल्प पीपल टू शेयर नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड देयर फीलिंग एंड ओपिनियन आर एक्सप्रेस्ड थ्रू इट मीडिया attract the attention of a very large audience have you noticed that the first thing we do soon after entering the house is to switch on the television ji kya keh rahe hain wo media help people to share knowledge यानी कि इलम को फैलाने में मतलब शेयर करने में मदद करता है उसके अलावा पूरे होल वर्ल्ड में और इसके बाद क्या लिखा हुआ है देर है देर इज नो डाउट अबाउट इट देर फीलिंग हाँ जी ओपिनियंस यानी कि आपकी फीलिंग ऐसा साथ आपका आपके तजर्बात आपके जो सोच है उसको ये सब जो है वो शेयर करने में आपको मदद करता है मीडिया अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ अ वेरी लार्ज ऑडियंस हाँ जी मीडिया जो है वो बहुत सारे लोगों की अटेंशन अपनी तरफ मबजूल करा लेता है हैव यू नोटिस दैट द फर्स्ट थिंग वी क्योंकि सून आफ्टर एंटर द हाउस हाँ जी टू स्विच ऑफ द टेलीविजन हम इसकी मतलब इस तरह से देखते हैं कि जैसे ही हम घर में एंटर होते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं टीवी का स्विच ऑन करते हैं देर इज नो डाउट अबाउट इट जी स्टूडेंट लेट मी से दैट मीडिया हैज बिकम अ पार्ट ऑफ योर लाइफ इट नॉट ओनली इन्फॉर्म अस अबाउट आल्सो एंटरटेन अस जी लेट मी से दैट मीडिया हैज बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ यानी कि ये इस वक्त हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका हुआ है और इट not only informs us but also entertain us ये ना सिर्फ हमें information देता है बल्कि ये हमें एक अच्छा mood भी देता है हमें entertainment भी देता है teacher absolutely right absolutely right when do you have
एब्सोल्युटली राइट का क्या मतलब है? बिल्कुल ठीक, वेरी गुड, शाबाश। वेल, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट द टू मेजर मीन ऑफ कम्युनिकेशन? हाँ जी, मेजर मीन्स ऑफ कौन से कम्युनिकेशन हैं बताओ ना, पढ़ो इसको आगे। स्टूडेंट थ्री, देयर आर टू मीन ऑफ कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। हाँ जी, इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया। एक जो है क्या, इलेक्ट्रॉनिक यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला मीडिया, जैसे लाइक हमारे फोन्स हो गए, या ये क्या कहते हैं टीवी हो गया, कंप्यूटर हो गया, नेट हो गया, इस तरह की चीज़ें। और उसके बाद क्या है, प्रिंट मीडिया यानी कि जो चीज़ें ये प्रिंट होके हमारे सामने आती हैं, छपी छपाई। द मीडिया इंक्लूड्स फिल्म, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, बुक, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर। इट प्रोवाइडेड अस इंफॉर्मेशन एज वेल एज एंटरटेनमेंट। हाँ जी, इंफॉर्मेशन भी देते हैं ये सब, और क्या कर क्या प्रोवाइड करते हैं, इंटरटेनमेंट भी देते हैं, और हमें क्या देते हैं, इंफॉर्मेशन भी देते हैं। टीचर, गुड, इट्स थ्रू मीडिया दैट द वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज, देयर इज कवरेज। हाँ जी, क्या हो गया इसकी वजह से, मीडिया की वजह से ग्लोबल विलेज बन गया है, एक पूरी दुनिया जो है वो एक ग्लोब पे आ गई है। देयर इज कवरेज ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ द वर्ल्ड ऑन टेलीविजन। हम अपने टेलीविजन पे मतलब हर तरह के लोगों के जो भी इम्पोर्टेंट वो होते हैं, इवेंट्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, त्यौहार होते हैं, उनकी कवरेज देखते हैं। वी कैन हैव एन इजी एक्सेस टू ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू मीडिया। हाँ जी, क्या मीडिया के जरिए हम आसानी से एक मतलब जो है वो एक्सेस कर सकते हैं, यानी एक दूसरी जगह पे पहुंच सकते हैं। कैन वी से दैट द वर्ल्ड इज जस्ट अ क्लिक अवे। हाँ जी, क्या हो गया, कैन वी से दैट द वर्ल्ड इज जस्ट अ क्लिक अवे, यानी कि दुनिया एक क्लिक से वो क्लिक हो जाती है। मे बी वेल वर्ड एनी अदर स्टूडेंट लाइक टू से समथिंग ऑन इट। दिस आयशा पॉइंट टू द स्टूडेंट सिटिंग एट द एंड। जी, मिस आयशा ने जो बच्चे पीछे बैठे हुए थे उनको भी कहा कि आप इसमें शामिल हो सकते हैं। मैडम इन माय, बोलो आगे। मैडम इन माय ओपिनियन मीडिया प्लेज अ वेरी कंस्ट्रक्टिव रोल फॉर द सोसाइटी। इट रेजेस अवेयरनेस अबाउट मैनी सोशल इश्यूज लाइक करप्शन, टेररिज्म, ड्रग्स, टेररिज्म, ड्रग्स एडिक्शन एंड वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट। हाँ जी, क्या है जी, इस मीडिया से हमें एक मतलब मिलता क्या है, कॉरपोरेशन। टेररिज्म क्या होता है, कॉरपोरेशन यानी कि मतलब कॉरपोरेशन मिलता है कि आपके साथ कोई वाबस्ता हो के आपके साथ वो इन चीज़ों को कंट्रोल करता है, जैसे टेररिज्म हो गया, ड्रग हो गया, एडिक्शन, ये सारी चीज़ें जो है इन सबको वैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन राइट्स और इंसान के जो असूल है इंसानी ज़िंदगी को गुजारने के, या जो भी है वो सबसे हमें अवेयरनेस कहाँ से मिलती है, ह्यूमन राइट्स से नहीं भाई, मीडिया से। वो आपको बता रहा है मीडिया कि ये सब कुछ है आपकी ज़िंदगी में। आपको पता है टेररिज्म क्या होता है, आपको नहीं पता, दहशतगर्द, ठीक है। आपको ड्रग का पता है, नहीं पता, ड्रग ये नशावर चीज़ें, आपको ये चीज़ों के लिए आपको पता करना है तो आप क्या करोगे, नेट पे एक सर्च मारोगे, एक क्लिक करोगे। टीचर, यस यू आर राइट। जी, स्टूडेंट्स, इट्स मीडिया हैज आल्सो बिकम अ माउथ पीस ऑफ द डाउन ट्रोडिंग। हाँ जी, तो ये एक तरह का एक माउथ पीस है, हमारे मुंह के अंदर ही है चीज। टीचर, यस वेल सेड, इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू से दैट मीडिया इज द मोस्ट विंगलेट इंस्ट्रक्शन दैट कीप्स एन आई ऑन एवरी सेगमेंट ऑन द सोसाइटी थ्रू डिबेट्स, रिपोर्ट्स एंड टॉक शो। इट्स मेक्स एवरीवन
मतलब ये देखो कि वो ये कह रहे हैं कि यस वेल सेड, मतलब कि ये आपने टीका के जो है क्या जो भी सारी चीज़ें हैं, जैसे कुछ कोई गलत कह रहा है या कुछ, ये सब हमें मीडिया से मतलब पता चल जाता है कि, और ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसमें आपको डिफरेंट सेगमेंट सोसाइटी के नज़र आ रहे होते हैं, आपको टॉक शो और रिपोर्ट्स और डिबेट्स के ज़रिए से जो है ना वो बताया जाता है कि सोसाइटी में क्या मूवमेंट हो रही है, क्या हो रहा है जी। दैट इज़ व्हाई मीडिया हैज़ बिकम एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ योर लाइव्स नाउ। आई एम वर्ड इनवाइट वन ऑफ यू टू सम अप द डिस्कशन। जी मतलब इसी पे बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन होती है और बहुत सारी बातें जो हमें इसके ज़रिए से पता चल जाती हैं। आई वर्क ऑन दी डिस्कशन बाई सेइंग दैट मीडिया कैन प्ले अ पॉजिटिव रोल एंड एज अ करेक्टिव इम्पैक्ट इफ इट वर्क ऑनेस्टली। जी इसका एक ये भी मतलब पॉजिटिव रोल है कि इसकी वजह से जो है ना लोग डिस्कशन सुनते हैं और इस तरह से उनको अपने फैसले करने में आसानी होती है और वो मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं। टीचर गुड कंक्लूजन। आई एम हैप्पी डैट ऑल ऑफ यू हैव पार्टिसिपेट इन दिस डिस्कशन एंड हैव एक्सप्रेस्ड योर सेल्फिश वेरी वेल। द बेल रिंग मिस आयशा से गुड बाय टू द क्लास एंड लीव। जी क्या मतलब उन्होंने क्या कहा एंड में कि ये आप लोगों ने अच्छी बातें मेरे साथ डिस्कस की हैं और फिर उन्होंने क्लास को छोड़ दिया। एक छोटी सी बात है, देखो मैं फिर आप लोगों के पास आऊँगी कि आप लोग भी तो ये सारी चीज़ें जानते हो ना, तो इसमें आपको एक चैप्टर में वो ये पढ़ा कर ये बातें जो है वो आपके माइंड में डालना चाह रहे हैं कि इसके बारे में आपसे कोई क्वेश्चन भी कर सकता है कि मीडिया क्या है या मीडिया के इम्पैक्ट्स क्या है, तो ये सारी डिटेल्स आप उसमें उसके आंसर में लिख सकते हो। जो इतना कुछ आपने पढ़ा है यहाँ पे ये सब कुछ आप उसमें लिख सकते हो, लेकिन ये है कि आपको अपने पहले तो अपने आप को ठीक करना पड़ेगा क्योंकि आप चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो। ठीक है, मीडिया बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया मानते हैं, और मीडिया हद से ज़्यादा फास्ट हो गया। मीडिया के जहाँ पर हमारी ज़िंदगी में इस तरह के अच्छे असरात हैं, वहाँ पर बहुत सारे बुरे असरात भी पड़ रहे हैं। हमारे बच्चे बहुत पहले बहुत बड़े बन गए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उनको मतलब नहीं पता होती तो वो ये मीडिया ने बता दी हैं, और वो और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं मीडिया पर बच्चे देख रहे होते हैं जो उनको नहीं देखनी चाहिए। तो बहुत यहाँ पे तो ये चैप्टर था, इसमें तो उन्होंने अच्छी अच्छी बातें बता दी आप लोगों को। बाकी इसका थीम है, ग्लॉसरी है और इलेक्टिविटी है, आगे इसका कॉम्प्रीहेंशंस है और क्वेश्चन आंसर्स हैं। ठीक है, ये भी आप लोगों ने करने हैं अपने नोट्स, इसके बनाने हैं आपने खुद से। लोकेट सम बुक्स इन योर स्कूल लाइब्रेरी एंड राइट देयर टाइटल इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर। ठीक है, ये सारा इसकी एक्सरसाइज आप लोगों ने करनी है, और बहुत लंबी है, चाहे लंबी है लंबी तो होगी, आपकी मीडिया पे बात हो रही है ना, मीडिया तो आप लोगों का फेवरेट सब्जेक्ट भी है, आप लोगों की फेवरेट चीज़ भी है। आप लोग कहीं नहीं नज़र आओगे तो मीडिया पे तो ज़रूर नज़र आओगे। मीडिया मींस के नेट पे, केबल पे, वो केबल कह रही हूँ उस पे क्या होता है, ऑनलाइन ऑनलाइन बैठे होगे, वो तो पता चल ही जाता है ना। तो ये देखें, ये सारी चीज़ें आप लोगों के करने की हैं, ये आप लोगों ने करनी है, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट अगला हम चैप्टर पढ़ेंगे। ये आप लोगों ने सारे इसकी जो है ना नोट्स बनाने हैं।